हेलो दोस्तों, जोहार। स्वागत है आपका फिर से हमारे न्यू एपिसोड में। दोस्तों, आज हम जुगाड़ तरीके से फ़ैन का बेरिंग रिमूव करने वाले हैं। तो आप देखिए मैं क्या क्या सामान उसके लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चलिए फ़ैन का मोटर को ओपन करते हैं। सबसे पहले हम कंडेंसर वाले होल्डर को खोल के इसके सारे वायर को कनेक्टर से अलग कर लेते हैं। कंडेंसर साइड में रख दिए। अब हम मोटर खोलते हैं। हमने मोटर का ऊपर का भाग खोल लिया है और ये स्टेटर कॉइल और ये रहा बेरिंग नीचे वाला 6201 और यहाँ पर है 6202। अब हम पहले 6202 को खोल लेते हैं। के लिए ये एक बोल्ट है। इसे हम हैमर के थ्रू खोल लेते हैं। अब सबसे कठिन है ये इंटरनल लगे हुए बेरिंग का, जो कि ये अंदर में है। इसे हम ठोक भी नहीं सकते हैं किसी चीज़ से। तो इसके लिए मैंने एक जुगाड़ बनाया है और ये जुगाड़ ये है कि एक पट्टा है। मैंने इसे इस हेवी ड्रिल के माध्यम से ड्रिल किया हुआ है, छेद कर दिया है। और ये नट बोल्ट है करीब 3 इंच का, 3-4 इंच का आपको भी लेना पड़ेगा। और इस पर मैं एक वाशर लगाया हूँ और ये एक अलग से सपोर्ट करने के लिए एक छोटा सा, ये 10-11 mm का नट बोल्ट है। और आपको छोटा वाला भी लगभग आपको सेम साइज़ के ही लेने हैं। आगे मैंने इसे थोड़ा सा नुकीला बना दिया है। तो चलिए इस इंटरनल लगे बेरिंग को भी खोलते हैं, पुल करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस नट बोल्ट को लूज़ करके इस पर पार करना होगा। मैंने इसे यहाँ पर थोड़ा घिस दिया है ताकि इस पर ये पार हो सके। और इसे हम अब बेरिंग के बीच वाले होल पर फंसा देते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो इसके बाद मैं इसे जो गैप बचे हुए हैं उस पर मैं इसे लगा देता हूँ। से मैंने लगा दिया। चलिए अब इसे हम घुमाते हैं।
और ये बेयरिंग निकल गया है, आप देख पा रहे हैं। अगर आप भी पंखे से रिलेटेड काम करते हैं तो इस तरह का नुस्खा अपना सकते हैं। आइए इस पर हम न्यू बेयरिंग सेट करते हैं। ये 6202 जो ऊपर साइड में स्टेटर में रोटर में इसे लगाएंगे, और ये वाला निचला भाग फैन का कैप में। अब हम इसका स्क्रू लगा देते हैं। मोटर को मैंने पैक कर लिया है। चलिए फाइनली इसका मैंने तीनों स्क्रू टाइट कर लिया है। अब इसका कंडेंसर को भी लगाते हैं। इसका कंडेंसर मैंने लगा दिया है, कनेक्शन भी दे दिया है। अब हम इसे इस मोटर को चेक करके देखते हैं। ये टर्न कर रहा है, मूविंग कर रहा है, यानी मेरा ये मोटर अब सही हो गया। बेयरिंग जाम था, मैंने इसे नया बेयरिंग लगा दिया। तो आई होप दोस्तों आपको ये हमारा ट्रिकी वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।